फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, वो है जूनियर बाबर आजम के हवाले से। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मुझे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जो बाबर आजम को नहीं जानता। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक बेस्ट क्रिकेटर हैं और वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट प्ले करते हैं। तो रिसेंटली एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे जो शेयर किया जा रहा है जूनियर बाबर आजम के हवाले से, मैं आपके साथ आज उसके हवाले से कुछ बात करूंगा और आपके साथ कुछ अपडेट भी शेयर करूँगा जिसे लोग जो है जूनियर बाबर आजम कहने लगे हैं। उनका जो नेम है, उनका नेम है गौहर, और उनकी आप जो है परफॉर्मेंस या उसे क्रिकेट खेलता देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। गौहर लियाकत उनका नाम है। गौहर लियाकत हर स्ट्रोक इतनी महारत से खेलता है कि देखने वाले भी जो है वो हैरान रह जाते हैं। देखने वाले बाबर आजम इसे जूनियर कहकर पुकारने लगे हैं। कम से कम गौहर बैटिंग कर रहा हो तो इसकी बैटिंग में तकनीकी खामियाँ तलाश करना आसान नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ जूनियर बाबर आजम की बैटिंग, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये उनके स्ट्रोक और उनको आप खेलता देखेंगे तो आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि ये वाकई ही 6 साल का बच्चा है या इसकी उम्र इससे ज़्यादा है। गौहर की बैटिंग में स्ट्रीट ड्राइव, कोर्ट ड्राइव, पुल शॉट और कट शॉट समेत क्रिकेट की किताब में मौजूद हर स्ट्रोक जो है आपको देखने को मिलेगा। आप यहां चेक कर सकते हैं उनकी बैटिंग को। इनके शौक का ये आलम है कि घंटों प्रैक्टिस करने के बाद भी दिल नहीं भरता। 30 से ज़्यादा ओवर खेलना गौहर का रोज़ का मामूल है। गौहर लियाकत का कहना है कि वो हार्ड बॉल से नहीं डरते। जब क्रिकेट खेलनी है तो जिस्म पर गेंदें भी लगेंगी। मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो बाबर आजम जैसा बैट्समैन बनना चाहते हैं। गौहर के कोच खुर्शीद का कहना था कि वो 1.5 साल कबल गौहर की सलाहियतें देख कर हैरान रह गए थे। इतनी कम उम्र में वो क्रिकेट की बारीकियों में समझने में देर नहीं लगा था। गौहर सिर्फ 6 साल की उम्र में ऐसे स्ट्रोक खेलना सीख गया है जो दीगर बल्लेबाज सालों में नहीं खेल सकते। ख्वाहिश है कि गौहर तालीम और क्रिकेट दोनों पर तवज्जो देते हुए पाकिस्तान का जो है नेम रोशन करे। इसके अलावा गौहर के मामू शाह जावेद का कहना है कि क्रिकेट की वीडियोज़ देख कर सीखने की कोशिश करता है और साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा है। फारिग वक्त में टीवी पर मैचेस देखता है। क्रिकेट हल्के गौहर को गौहर नायाब करा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बच्चे के चर्चे हैं, जैसा कि मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।